Hello to everyone, welcome back to my channel. Today question is, find two consecutive odd integers such that the sum of their square is 394. तो ये क्वेश्चन जो है ये हमने आईसीआईसी बोर्ड की बुक एमएल अग्रवाल में से लिया है, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि अब यहाँ पे हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बोला गया, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू एक्स एंड अब कॉन्जिक्यूटिव है और वो ऑड है, तो टू डिजिट छोड़ के हमारे पास आएगा नेक्स्ट इंटीजर x प्लस 2, हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, तो फर्स्ट ऑड इंटीजर हो गया हमारा 1। अगर हमने उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव मतलब नेक्स्ट ऑड इंटीजर पे जाना है तो हमें यहाँ पे 2 प्लस करना पड़ेगा। अगेन हम प्लस 2 करेंगे, देन नेक्स्ट ऑड इंटीजर, देन अगेन प्लस 2, देन नेक्स्ट ऑड इंटीजर। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 2। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो इनके स्क्वायर का जो सम है वो इक्वल है 394 के। तो यहाँ आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 to the 4 प्लस 2 to the 4x इज इक्वल टू 394। एक्स प्लस एक्स इज 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 394 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस करके आ जाएगा 390 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 2 2 8 2 9 18 2 5 10 इज इक्वल टू 0। तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसकी मिडिल टर्म फिट करेंगे, तो सबसे पहले हम 195 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 9 2 8 16 2 9 18 19 2 के टेबल पे तो नहीं जाएगा बिकॉज ये ऑड नंबर है, तो पहले आपको चेक कर लेना है कि ये कौन से टेबल में जाएगा। ओके, तो बाय मिस्टेक मैंने इसको 2 पे करने की ट्राई की, तो यहाँ पे 195 5 के टेबल पे चला जाएगा बिकॉज लास्ट में 5 है। 5 3 15 16 17 18 19, तो 5 4 5 9 45, अभी 39 किसी टेबल में, 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 3 3 3 9 और यहाँ पे 13 1 13, तो 5 3 15 15 माइनस 13 इज 2। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम निकालेंगे x कॉमन, तो x प्लस 15, नेक्स्ट इसमें से माइनस 13 कॉमन, तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए x प्लस 15 एंड x माइनस 13, तो एक वैल्यू x की आ गई माइनस 15 और एक वैल्यू हमारे पास आ गई 13। अब हमारे पास यहाँ पे टू केसेस हैं। केस 1, जब हमारे पास x की वैल्यू माइनस 15 है, देन सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 2, मतलब दूसरा वाला हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 2 इज माइनस 13। उसके बाद सेकेंड केस है हमारे पास, जब x की वैल्यू हमारे पास आई है 13, तो यहाँ 13 प्लस 2 इज 15, तो ऐसे हम यहाँ पे ये यह हमारे पास आंसर आ गया। टू केसेस में लिखेंगे हम इस तरह से केस बना के। अगर सपोज यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला था तो सिर्फ हम पॉजिटिव वाला लेते, और अगर नेगेटिव वाला बोला होता तो हम नेगेटिव वाला लेते, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं मेंशन किया, तो हम दोनों केसेस को मेंशन करेंगे आंसर में। थैंक यू।